महाभारत पढ़ते पढ़ते कुछ सोचा तो अचरज हुआ, कुछ प्रश्न पूछने का मन हुआ। जानती हूँ धर्म अधर्म की दीवारें सब, नीति शास्त्र की बातें सब, नायक खलनायक के किस्से सब मिथ्या है, छलावा है। फिर भी हृदय करुण वेदना से भरकर पूछ लिया ये प्रश्न द्रौपदी से, मन ही मन भारी मन से। तू ही थी ना उज्जवल सशक्त कर्मठ राजकुमारी, तू ही थी ना जिसने कर्ण की सानिध्य ना स्वीकारी। तू सशक्त थी, स्वयंवर तेरा, वर भी तेरी ही इच्छा से होता। फिर तूने इन पांडवों की दास्ता क्यों स्वीकारी। जानती हूं ये नहीं थी नियति कभी तुम्हारी, मां की बेतुकी आज्ञा तेरे जीवन पर पड़ गई भारी। युधिष्ठिर के कोरे शास्त्रों को क्यों तूने कभी ना टोका, प्रश्न पूछती हूं तूने अपनी नियति क्यों स्वीकारी। मजबूत थी तू, तुझमें भरा था सामर्थ्य अपूर्व असीम, भरी सभा में अपमानित होना नहीं था तेरा नसीब। तूने उन्हें तो सजा दी जिसने वस्त्र तेरा खींचा, पर क्यों माफ किया था उन्हें जिसने तुझे था बेचा। जिसने तुझे वस्तु बनाया चौसर के खेल में, हे द्रौपदी तू क्यों बंद गई घर की चौखट में आकर। क्यों चुप हो गई तू सबके बहकावों में आकर। क्यों नहीं तूने पांडवों को अपनी वाणी से भस्म किया। क्यों नहीं तूने अपने ही हाथों में तलवार उठाई। पूछती हूं क्यों तूने अपने मन में ही आस लगाई। हे द्रौपदी तू पुरुष प्रधान समाज की बेड़ियों में क्यों बंद कर रह गई। आज भी दुनिया के हर एक आंगन में द्रौपदी पलती है, कभी कौरवों से शोषित होती तो कभी पांडवों से लड़ती है। हे जगत की द्रौपदी मुझे तुम्हारे सामर्थ्य की दरकार है। हे द्रौपदी मुझे तुम्हारे उठने का इंतजार है। दृढ़ हूं मैं, आंसू बहाना व्यर्थ है। कौन कहता द्रौपदी असमर्थ है। साम एक संदर्भ है चेतावनी, सकल होना द्रौपदी का अर्थ है। व्यवस्था सत्ता समक्ष विरोध है, द्रौपदी का नाम ही प्रतिशोध है। द्रौपदी का नाम ही प्रतिशोध है। क्यों नहीं जागे जगाए आज की ये द्रौपदी। क्यों नहीं जागे जगाए आज की ये द्रौपदी। मैं जाऊंगी, मैं जाऊंगी। एक हाथ इतिहास ले और एक हाथ में ले भविष्य। मैं जाऊंगी, मैं जाऊंगी, मैं जाऊंगी।